हेलो चिल्ड्रेन दिस इज प्रणीता प्रिया फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी पीजीटी बायो टुडे वी विल डील विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इज डिविएशन फ्रॉम मैंडल्स लॉ मैंडल्स के थ्री लॉज आपने पढ़े थे फर्स्ट लॉ डेट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस सेकंड लॉ लॉ ऑफ सिग्रीगेशन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट यहां पर क्या मतलब हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है एक ऐसा केस है जो मैंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा इट विल डिवियेट फ्रॉम मेंडल्स लॉ तो इसको हम लोग इस टाइप के जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट वो एलिलिक इंट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं या इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं अब ये टर्म्स क्या है फर्स्ट लेट मी क्लियर एलिलिक इंट्रैक्शन या इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन और इंटरजेनिक इंट्रैक्शन इसका मतलब क्या हुआ सपोज ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स है यू कैन सी मदर के फर्स्ट क्रोमोजोम एंड फादर के फर्स्ट क्रोमोजोम और ये एलिल्स हैं एक कैरेक्टर एक जीन का टू फॉर्म्स है ये ठीक है एक जीन का टू फॉर्म्स को हम लोग एलील्स बोलते हैं एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो सपोज फादर से कैपिटल टी आए हैं मदर से स्मॉल टी आए हैं ठीक है यहाँ पे दीज आर एलील्स अगर ये दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहे हैं क्योंकि ये एलील्स ऑफ द सेम जीन है तो अगर इसके बीच में इंट्रैक्शन होते और कुछ इफेक्ट नजर आता है कुछ न्यू इफेक्ट नजर आते हैं इन दोनों के इंट्रैक्शन से डेट इज कॉल्ड एलिलिक इंट्रैक्शन नॉन-एलिलिक इंट्रैक्शन में देखो क्या होता है टू जीन्स होंगे टू जीन्स एक हाइट का एक सीट कलर का लिया गया और इसके अपने फॉर्म से हाइट के अपने टू फॉर्म से एलिल्स और सीट कलर एक जीन है इसके अपने टू फॉर्म से ठीक है और दैट इज एलिल्स तो ये या तो एक ही क्रोमोजोम्स पर लोकेट हो सकते हैं ये टू डिफरेंट जीन्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोज़ोम्स पर लोकेट हो सकते हैं जैसे ये एक वन होमोलोगस पेयर है ये अनदर पेयर है तो यहाँ पर टी हो सकता है और एक वाई यहाँ हो सकता है दूसरे क्रोमोजोम पर तो या तो ये सेम क्रोमोजोम पर लोकेट हो सकते हैं या डिफरेंट क्रोमोजोम पर भी लोकेट हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट जीन्स है अगर दो डिफरेंट जीन्स के एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो इसको नॉन एलिल इंट्रैक्शन बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल टी का इंट्रैक्शन वाई था के साथ होना टी का इंट्रैक्शन कैपिटल वाई के साथ होना या स्मॉल टी का इंट्रैक्शन कैपिटल वाई के साथ होना स्मॉल टी का इंट्रैक्शन स्मॉल वाई के साथ होना ये नॉन एलिल इंट्रैक्शन अगर अलग क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड है तो कैपिटल टी का इंट्रैक्शन वाई के साथ होना या कैपिटल टी का इंट्रैक्शन स्मॉल वाई के साथ होना या स्मॉल टी का इंट्रैक्शन कैपिटल वाई के साथ होना या स्मॉल टी का इंट्रैक्शन स्मॉल वाई के साथ तो दिस इज नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन क्लियर और ये है एलिलिक इंट्रैक्शन एलिलिक में अपने ही एलिल्स के बीच में इंट्रैक्शन होना क्लियर नाउ देखो यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है वी हैव टेकन थ्री एग्जाम्पल्स हेयर बट आपके एनसीईआरटी टी के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है बिल्कुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। डेट इज फ्लावर कलर इन एंटेराइनम मैचेस वी ऑल्सो कॉल इट स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर इसलिए बोलते हैं स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर क्योंकि जब ये फ्लावर को आप स्क्वीज करते हो तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो माउथ खोल रहा है बंद कर रहा है राइट तो डेट इज अपीयरिंग लाइक डॉग अनदर वन इज फ्लावर कलर इन चलापा एंड अनदर इज फेदर कलर इन एंडालूसियन माउस फाउल्स जो एंडलूसिया में रहने वाले जो फाउल्स हैं उसके कलर पर स्टडी किया गया है तो ये जो तीन एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, ये फॉलो नहीं करते लॉ ऑफ डोमिनेंस को के फर्स्ट लॉ को हेयर इनकम्पलीट डोमिनेंस के एग्जांपल्स है अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एंटेराइनम मैचेस जिसमें रेड कलर के भी फ्लावर देखे जाते हैं ऐसे प्लांट में व्हाइट फ्लावर भी होते हैं पिंक फ्लावर भी होते हैं तो यहां पर रेड फ्लावर को लिया गया इसको क्रॉस कराया गया व्हाइट फ्लावर से तो रेड इज कैपिटल आर आर एलिस एंड व्हाइट डैट इज ए स्मॉल आर आर अब इसके आपने गैमिट्स निकाले कैपिटल आर इसके स्मॉल गैमिट्स निकाले और इसको आपने फ्यूज करा दिए तो फर्स्ट जनरेशन हमें अब देखो फर्स्ट जनरेशन क्या मिलना चाहिए था कैपिटल आर बींग डोमिनेंट यहाँ पर रेड मिलना चाहिए था ऑल शुड बी रेड लेकिन यहां पर रेड नहीं मिलकर पिंक मिला राइट right? अब ये जो पिंक फर्स्ट जनरेशन में ऑप्टेड हुए हैं आर आर इसको हम लोग सेल्फिंग करेंगे यहाँ पे सेल्फिंग हो रहे यू कैन सी इसके गैमिट हुए कैपिटल आर स्मॉल आर और इसके गैमिट हुए कैपिटल आर स्मॉल आर इसको पुनेट स्क्वायर में हम लोगों ने निकाले ठीक है तो आपने देखा कि कैपिटल आर कैपिटल आर जो कि रेड कलर देगा कैपिटल आर स्मॉल आर यहां पर रेड होना चाहिए था क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है पर यहाँ पे पिंक मिल रहे हैं सिमिलरली यहां पर भी पिंक मिल रहे हैं एंड दिस वन इज वाइट तो अब इसका अगर फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो निकालोगे तो फिनोटाइपिक मीन्स एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फीचर्स जो आप देख पा रहे हो तो रेड कितने नजर आ रहे हैं वन तो हेयर इट इज वन पिंक कितने नजर आ रहे हैं दो तो आपने टू लिखे एंड वाइट कितने वन तो वन इज टू टू इज टू वन लेकिन आपने मैंडल के लॉ में पढ़े थे कि जो मोनोहाइब्रिड uh, क्रॉस है उसमें जो फिनोटाइपिक रेशो आए थे वो थ्री इज टू वन आए थे लेकिन यहाँ पर थ्री इज टू वन नहीं आकर फिनोटाइपिक रेशियो वन इज टू टू इज टू वन आया डिविएट हो रहा है ये नाउ जीनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो में यू कैन सी हि आर आर वाले कितने हैं वन कैपिटल आर 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 स्मॉल 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 टू ओनली वन तो यहाँ रेशियो तो चलो मैच कर रहा है मोनोहाइब्रिड uh, क्रॉस से पर फिनोटाइपिक रेशियो मैच नहीं कर रहा है एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर कि ऑलवेज इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो आपको सेम ही मिलेंगे डेट इज वन इज टू टू इज टू वन वन इज टू टू इज टू वन राइट नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस आखिर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस फेनोमेन आया रेड आना चाहिए था वहां पे पिंक आए ये कैसे आए अभी आपको क्लियर हो जाएगा सपोज हाइट का जीन्स है यहाँ पे कैपिटल टी ठीक है एंड स्मॉल टी इसके एलियल से हाइट एक कैरेक्टर है एक जीन है उसके अपने एलियल से टू फॉर्म्स है अब आपको क्लियर है अगर इसमें कोई कैपिटल टी जो है ये वाइल्ड एलील है डोमिनेंट एलील है अगर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है तो जीन्स अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं इफ़ यू रिमेंबर मैंने बताए थे कि जेनेटिक्स में क्या होता है जीन अपना एक्सप्रेशन कैसे देते हैं फर्स्ट जो है वो डीएनए से क्या बनते हैं एमआरएनए एमआरएनए से क्या बनते हैं प्रोटीन्स तो यहाँ पर आप अभी छोड़ दो वो सब आप याद रखो कि जो जीन टी है या एलील टी है कैपिटल टी ये डोमिनेंट है और इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुए मतलब कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ कोई भी चेंज नहीं हुए तो ये अपने आप को फुल फुली एक्सप्रेस करेगा मतलब सफ़ीशियंट एंजाइम बनाएगा सफिशेंट प्रोटीन्स बना रहा है ठीक है तो अगर ये सफिशेंट प्रोटीन्स बना रहा है तो सब्सिट यानी कि रिएक्टेंट्स पर ये एक्ट करेगा सब्सेट पर और इसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा प्रोडक्ट बना देगा क्योंकि ये जो कैपिटल टी है वो पूरा एंजाइम बना रहा है सफिशियंट एंजाइम तो सब्सट्रेट को पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है ये एंजाइम लेकिन सपोज अगर इसमें मॉडिफिकेशन हो गए इसमें म्यूटेशन हो गए तो देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं फर्स्ट केस अगर मॉडिफिकेशन कैपिटल टी में हुआ है तो सपोज बहुत लिटिल बिट म्यूटेशन हुआ है बहुत हल्का म्यूटेशन हुआ है तो कैपिटल टी जो है लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन प्रोड्यूस तो कर रहे हैं धीरे धीरे ये एंजाइम सब को कन्वर्ट कर देंगे किसमें प्रोडक्ट में तो आखिर आपको यहां पर प्रोडक्ट मिल तो रहा है लेस एफिशियंट एंजाइम की वजह से ठीक है तो इट विल बिहेव लाइक अन एलील ओनली ये इक्विवेलेंट बोल सकते हैं जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि देखो यहां भी प्रोडक्ट बन रहे हैं और यहां भी प्रोडक्ट बन रहे हैं भले ही ये लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं सेकेंड केस क्या हो सकता है कि अगर कैपिटल टी में इतना म्यूटेशन हो गया कि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है एंजाइम तो बना रहा है पर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है तो सबस्ट्रेट को अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा अब ये काम नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे अब सपोज थर्ड केस लो जिसमें कि जो कैपिटल थी उसमें इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन हो गया कि वो कोई भी एंजाइम नहीं बना रहा इतना ज्यादा म्यूटेशन हुआ कि वो कोई भी एंजाइम नहीं बना रहा तो कोई भी एंजाइम नहीं बना रहा है तो सिमिलरली सबस्टेट पर ये काम ही नहीं करेगा और कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे तो ये जो सेकेंड एंड थर्ड आप देख रहे हो ये हाईली मॉडिफाइड एलील है और यही बनते हैं आपका स्मॉल टी यानी जो नेचर में एक्सिस्ट करते वो डोमिनेंट होता है कैपिटल टी उसमें म्यूटेशन हो जाते हैं तो प्रोडक्शन बंद हो जाते हैं एंड डैट वी कॉल इट इ स्मॉल टी तो इट इज द मॉडिफाइड स्मॉल टी या रेसिस्व एलील इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द डोमिनेंट एलील म्यूटेशन से बने हैं राइट right? अब देखो ये इसमें जो इनकम्प्लीट डोमिनेस है उसमें क्या हुआ नाउ यू कैन सी यर यहाँ पे जो कैपिटल आ रहा है इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन हो गये जिसकी वजह से ये लेस एफिशियंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया तो ये रेड कलर नहीं देकर पिंक बना रहा है राइट right? तो इंटरमीडिएट कलर दे रहा है रेड एंड वाइट का इंटरमीडिएट कलर बन रहा है पिंक क्योंकि आर पर कैपिटल आर जो डोमिनेंट एलील था अगर इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता तो पूरा रेड कलर देता लेकिन यहाँ पर थोड़े से मॉडिफिकेशन हो गए लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है तो ये थोड़ा सा कम कलर दे रहा है डेट इज पिंक क्योंकि पूरी तरह से सबस्टेट को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा प्रोडक्ट तो बनाएगा लेकिन पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं करेगा तो थोड़ा सा लेस ये कलर देगा डैट इज पिंक अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे सो थैंक यू चिल्ड्रेन